हाय फ्रेंड्स, मैं भरत सिंह, एनएसएस स्वयंसेवी, एमपीपीजी कॉलेज हल्द्वानी का छात्र हूँ। बीए सेकंड ईयर में अध्ययनरत हूँ। तो आज सर्वप्रथम आपको योगा दिखाया जाएगा, वो भी आशीष भाई करा रहे हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है और पीछे बस और पीछे नहीं हां यार ऑफकोर्स बच्चों वहां चले जाओ अब बच्चों सबको मेरी बॉडी दिख रही है बच्चे थ्री फोर फाइव ओके स्टॉप नीचे अब पांच बार एंटी क्लॉकवाइज वन टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स थ्री फोर फाइव बहुत बढ़िया ठीक है अब कमर में आ जाते हैं ओके थ्री फोर फाइव ओके वन टू थ्री फोर फाइव ओके एक्सरसाइज करा रहे सबकी बैक स्ट्रेट रहेगी, कोई ऐसे ढीला खड़ा नहीं होगा। खाना खा कर आओ ना सब। नहीं नहीं, तभी तो योगा कराना है। ठीक है ओके, अब सूर्य नमस्कार करते हैं। अब सूर्य नमस्कार कोई ऐसे नहीं है सूरज जी नमस्ते, ठीक है। इसका पूरी एक ये 12 आसनों का एक बहुत बड़ा कंबाइन है और ये कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चिपका लो अपने पैर। अब मेरी इंस्ट्रक्शन को सब ध्यान से सुनना ठीक है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गया बहुत इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपना पीछे को जब होंगे ना तो मैं ब्रीथ इन कर रहा हूं ओके। आगे तुमने ब्रीथ आउट कर तो आज फर्स्ट यूनिट की बारी है खाना बनाने की। तो फर्स्ट यूनिट की गर्ल्स हमारे टमाटर काट रही हैं। तो हम जा रहे हैं पहले साफ सफाई के लिए, बनाने की बारी है। तो देख सकते हैं पीछे प्रकाश संभल है, मजदूर यूनियन के लीडर है। और फावड़ा पकड़ो जरा, आलू बन गया, आप ये पूरे मजदूर यूनियन लग रहे हैं। पापा गया है, ये भोजन माता हमारी। तो अभी हाल ही में हमारा कॉलेज मतदान केंद्र और मतगणना स्थल बना था, तो जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही कूड़ा किया गया। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, हम और हमारी टीम पूरी लगी पड़ी है इस कूड़े को उठाने में। और यार काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए और काम चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हमारी पूरी टीम कूड़ा उठा के ये कूड़ेदान जो हैं उनमें भर रही है। तो हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है जब से कॉलेज से आई है, और थोड़ा बहुत फावड़ा चलाना आता है मुझे भी, तो मैं काम कर ले रहा हूँ। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में बहुत ज़्यादा, और पूरी टीम आज बहुत। भाई बता खाना कैसा हो रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है या बहुत मज़ा आ रहा है? पक्का यहाँ पर गंदगी, हाथ खड़े करके बोलो तो कितना मज़ा आ रहा है? पर हमें
ऐसे कैंप लगने चाहिए, क्यों पड़ेगा नहीं फिर, फिर आगे कैसे पड़ेगा यार। भाई खाना कैसा बना है? मजा आ रहा है पक्का? कितना मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ओ भाई खाना कैसा बना है? कितना मजा आ रहा है? ये दीदी लोग कैसी हैं? और दादा लोग? दादा लोग गंदे हैं? क्या क्या गंदा काम किया हमने? तेरे को मारा किसी ने? नहीं मारा तो गंदे कैसे हो गए यार? गंदे हैं, अच्छे हैं? अच्छे हैं ना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट की सारी गर्ल्स अपना काम कर रही हैं, पूरियां बना रही हैं, क्योंकि सब्जी तो बन के पहले ही तैयार हो गई है। तो आप पूरियां बना रही हैं हमारे लिए फटाफट, देख सकती हैं। ये भोजन माता भी इनके साथ आज हेल्प में लगी हुई है। भोजन माता ने पूरियां बहुत अच्छी बनाई है यार, फूली फूली मत बना। तो मुझे गुरु बटा हुआ है ये कृष्णा, भाई खाना कैसा हो रहा है? मजा आ रहा है? बिल्कुल कत्ता ही जहर। नहीं यार सच में भाई दिल बाहर रख के खा। भाई तुम बताओ। ये भैसाली दी। भाई लोग खाना कैसा हो रहा है? मजा आ रहा है? पूरी कैसी हो रही है? कच्ची तो नहीं है? पकी है? अच्छे से पकी है? गैरों के प्यार पर ऐसे करूं वर्षा, गैरों के प्यार पर यहाँ अपने ही लेते हैं मजा, यहाँ अपने ही लेते हैं मजा अपनों की हार पर। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर इधर से उधर जाने का नहीं। मेरे बेटे इश्क कर, मेरे बेटे इश्क कर, मगर हद से उधर जाने का नहीं। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम कैसा रहा तो जानते हैं हमारे कुछ सीनियर वॉलेंटियर्स से, कि आपको आज की पूरी डिटेल देंगे कि आज क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये हैं सालू दी, जो कि एक मॉडल हैं और ये डांस वांस सिखाती हैं। अगर कोई इच्छुक है तो ये फ्री में डांस भी सिखाती हैं। तो सालू दी आप बताइए आज क्या क्या प्रोग्राम हुआ, शुरुआत से बताइए। थैंक यू। तो आप विनीता रॉय बताएंगी कि उन्हें आज का प्रोग्राम कैसा लगा। आज एनएसएस का सेकंड डे कैंप था, पहले दिन ही हमने भी आज भी सुबह जल्दी आए, हम लोगों ने सबसे पहले योगा किया, अदर प्रे किया, मतलब बहुत एंजॉय हुआ। जैसे कि फ्रेंड्स के बीच जैसे एक होता है ना कि एकता हो तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वैसे हमारी जो यूनिट थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी यूनिट थी, ये सब पहले को हमारी अलग अलग यूनिट थी बट हम सब लोग एक थे। तो हमने सबने मिलकर पहले योगा किया, योगा करने के बाद हमने आसन किया, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन किया, उसके बाद हम सब कॉलेज गए, अगर वहां पर हमने सफाई करी, सफाई करने के बाद कॉलेज थोड़ा कॉलेज जैसा लग रहा था सच बताओ तो, बहुत अच्छा लगा। सबने साथ मिलकर सब काम किया, उसके बाद हम वहां से आए, फिर फर्स्ट डे हमारे लिए खाना बनाया था सबके लिए, पूरी थी और आलू सब्जी तो बहुत अच्छा बना था एक्चुअली, बहुत अच्छी तारीफ थे हम। उसके बाद खाना पीना होने के बाद फिर कुछ प्रोग्राम्स हुए जो कि कल्चरल प्रोग्राम थे, उसमें कुछ लोगों ने गाना गाया, कुछ लोगों ने स्पीच दी, कुछ लोगों ने डांस करा, मतलब आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। आगे जितने भी हमारे सेल्फी भी क्लिक करी और एनएसएस का मिशन एक ही स्टार रहा है आशीष राम। इसकी बात मत सुना, ये गधा है।
लेकिन अच्छा है बहुत। आज का डेट जैसे मतलब हमारे जो कैंप के जो दो दिन गए हमारे आगे के जो 5 days हैं वैसे ही जाएंगे तो ये है हमारे आशीष भाई। आज का योगा का सारा क्रेडिट इन्हें जाता है क्योंकि सारा योगा इन्होंने ही कराया था और बहुत अच्छा कराया था इन्होंने। आज सूर्य नमस्कार कराया था। सच्चा झूठ नहीं सच बता रहा हूँ मैं। तो आशीष भाई बताइए स्टार्टिंग से बताइए कि आज आपने क्या क्या किया। तो आज आप जानते हैं हमारे एनएसएस का सेकंड डे था तो कभी निकिता दीदी ने मुझे ये बोल दिया था जो कि हमारी सीनियर होने में ये बोल दिया था कि आशीष तुम्हें योगा का काम संभाल रहा है तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। शाम का छोटा सा टाइम बचा था मेरे पास शाम का थोड़ा सा। मैं शुरुआत से बताता हूँ देखिए मेरे पास बहुत प्रेशर था तो मैंने सबसे पहले ना नेट पे रिसर्च किया इजी योगा क्या होता है फिर उसको पहले खुद याद करा क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सभी योगा आते हैं तो मैंने बोला कि मैंने इनका साथ दिया था। यस इन्होंने मेरा साथ दिया था। इनका नाम है वैशाली अलमिया और एक गौरव यादव साथ दिया था उनका भी थैंक यू। एंड काफी सब बच्चों ने बहुत अच्छे से योगा किया युद्ध को योगा की तरह किया और काफी अच्छे से मुझे सुना तो ऑल थैंक्स सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक्स। थैंक यू सो मच इन्होंने बहुत अच्छा योगा किया।